एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट बीएससी नर्सिंग पार्ट सेकंड बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर एग्जामिनेशन जुलाई 2021 के अंदर जो पेपर हुआ है आज 7 जुलाई 2021 को जो पेपर हुआ है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट उसको यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखा जाए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया है डिफाइन फूड हाइजीन, डिस्कस प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, डिस्कस द एक्ट्स रेगुलेटिंग फूड हाइजीन। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर चैनल की तरफ से जो बनाए गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके अंदर से सीधा क्वेश्चन ये आया है फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिफाइन एपिडेमिक एंड एंडेमिक, यहाँ पर आपको एपिडेमिक क्या होती है और एंडेमिक क्या होती है वो यहाँ पर आपको इनके डेफिनेशन बतानी थी। वहीं एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड क्या होता है ये भी सीधा क्वेश्चन आया जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे उनमें से। वहीं नेक्स्ट बात करें एक्सप्लेन मेजरमेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी, यहाँ पर मेजरमेंट बताना है एपिडेमियोलॉजी का, तो ये एपिडेमियोलॉजी वाला क्वेश्चन भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे वो उनमें से आया है। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड एनलिस्ट वेरियस कम्युनिकेबल डिजीज़, इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना था कि कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है और ऐसी कौन कौन सी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उनको आपको एनलिस्ट करना था। 4 नंबर का यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। वहीं नेक्स्ट बताना था यहाँ पर रूबेला और मीजल्स, रूबेला एंड मीजल्स को आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना था, उनके बारे में लिखना था। वहीं अगर इसी के अंदर नेक्स्ट था एक्सप्लेन द प्रिवेंटिव मीजर्स एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया, यहाँ पर प्रिवेंशन बताने थे मलेरिया से बचने के लिए और यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट बताना था मलेरिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था डिफाइन माल न्यूट्रिशन, यहाँ पर आपको माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन बतानी थी। एक्सप्लेन द एनीमिया एंड इट्स मैनेजमेंट फॉर द नर्स, नर्सिंग मैनेजमेंट बताना था यहाँ पर एनीमिया का, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। डिस्कस द डायबिटीज़ मलाइटस एंड इट्स मैनेजमेंट, डायबिटीज़ मलाइटस क्या होता है और उसका मैनेजमेंट क्या होता है वो भी यहाँ पर बताना था। ये क्वेश्चन अगर हम लोग देख के बी फोर्थ का बी और सी तो ये एमएसएन के अंदर मोस्टली पूछा जाता है लेकिन यहाँ कम्युनिटी के अंदर भी पूछा गया है, तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। वहीं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें डिफाइन द टर्म डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्कस डेमोग्राफिकल डेमोग्राफी साइकिल स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, यहाँ पर डेमोग्राफी को डिफाइन करना था और सेल्स डेमोग्राफी साइकिल यहाँ पर बताना था, उसी के साथ साथ यहाँ पर स्कोप ऑफ डेमोग्राफी, डेमोग्राफी के स्कोप क्या है वो भी यहाँ पर आपको बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन के कौन कौन से मेथड्स है वो यहाँ पर बताने, तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स के अंदर सबसे पहला था स्पेसिंग मेथड, स्पेसिंग मेथड क्या होता है वो यहाँ पर आपको 4 नंबर के अंदर डिस्कस करना था, 4 शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको करने थे, अटेम्प्ट करने थे। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें सर्जिकल फैमिली प्लानिंग मेथड, सर्जिकल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन से होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना था, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी यहाँ पर आपको डिस्कस करना था। वुमन एम्पावरमेंट क्या होता है, इजी क्वेश्चन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ क्या होता है, तो ये शॉर्ट नोट्स थे जो कि आज के पेपर के अंदर पूछे गए थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जुलाई 7 जुलाई 2021 को यहाँ पर आज ये पेपर हुआ है जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर देखा किस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको क्या लिखना था। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अंदर ऐड नहीं है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज़रूर ऐड होइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।